बॉक्स क्रिकेट लीग का जो ये टीम लॉन्च हो रहा है, कितनी खुशी मिल रही है आप इसके पार्ट हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिकेट लीग का, एंटरटेनमेंट और क्रिकेट को जोड़ता है साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका पार्ट मैं हूँ या नहीं वो मुझे अभी नहीं पता, बट मैं यहाँ पर विशिंग करने आया हूँ। लास्ट टाइम पे BCL में मैं अहमदाबाद एक्सप्रेस को सपोर्ट कर रहा था, बट मैं वहाँ पर उनके पास परफॉर्मेंस के वक्त नहीं पहुँच पाया था, और आज मैं इसलिए यहाँ पर आया क्योंकि यहाँ पर टीम अनाउंस होने वाली है, गुजरात BCL हो रहा है, उसमें नंदीश भैया जो काफ़ी अच्छे मेरे रिलेशन में है, लाइक एज अ फ्रेंड बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो जो भी, सो उनकी टीम को सपोर्ट करना है बेसिकली। सो अभी ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है कि मैं खेल रहा हूँ या नहीं। एज एन एंटरटेनर आपने नाम बनाया है अपना, काफ़ी मुश्किल होता है खुद का नाम बनाना, इतना आसान नहीं होता है। क्रिकेट एक पैशन है बहुत बड़ा है इंडिया में, आपको बचपन में क्रिकेट पढ़ने का शौक था? नहीं, ऐसा क्रिकेट पढ़ने का शौक नहीं था, वैसे मेरे शौक बहुत अलग अलग है, मुझे अलग अलग बनना रहता कभी कभी कुछ भी कुछ भी। क्रिकेट में खेलता था पहले में, तो मुझे तो सब सेम ही लगते थे, सचिन सर, सहवाग सर, सब लाइक एक ही कपड़ों में मैं कंफ्यूज रहता था हमेशा, बट बाद में मुझे क्रिकेट का ऐसा लाइक क्रेज़ हो गया कि मैं कहीं पर भी जाऊँ मार्केट में, कहीं पर भी मुझे वहाँ पर साइकिल लगानी है अपनी और मुझे खड़ों के देखना, आधा आधा घंटा मैं भूल जाता था। तो बाद में फिर जब पढ़ाई शुरू की, लाइक पढ़ाई कर रहा था और साथ में जैसे जैसे बढ़ता गया स्टैंडर्ड्स में, ग्रेड्स में, तो डांस शुरू किया तो क्रिकेट से इतना ध्यान हट गया, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, हर एक गली में आपको क्रिकेट खेलता हुआ बंदा मिलेगा ही, जबकि हॉकी हमारा गेम है, बट स्टिल ये जो BCL होने वाला है शायद मैं इसमें खेलूँ, बट यू नेवर नो क्या होगा। लास्टली पूछना चाहूँगा, आज के दौर में जो टेलीविजन मीडियम हो गया है या टेलीविजन स्टार्स हो गए हैं, इतना बड़ा मीडियम हो गया है, इस बात को लेकर कितनी खुशी है आपको? आजकल क्या हो गया, टेलीविजन मीडियम बहुत बड़ा हो चुका है। एग्जैक्टली, अभी ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में आपको एंट्री मारना है, फिल्म में काम करना है, नथिंग लाइक दैट, एक टेलीविजन स्टार का भी काफ़ी वैल्यू है। एग्जैक्टली, काफ़ी वैल्यू है, इवन शाहरुख सर और अमित सर और सब, काफ़ी सलमान सर टेलीविज़न पर भी शोज करते हैं, सो बढ़ गया है, वो पहले से ही बड़ा हुआ था, बट अभी भी टेलीविज़न और मूवी को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, सो बट फिर भी है अपनी अपनी जगह बेस्ट है। प्रोफेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, कहाँ एंगेज हैं आप, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? मैं अपनी पढ़ाई को लेकर एंगेज हूँ बोल सकता हूँ, और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक एल्बम सॉन्ग आएगा जो मैं अभी तक कंफर्म नहीं है, मैं सभी को बता दूँ कंफर्म नहीं है, बट अगर जैसे ही कंफर्म हो जाए मैं सभी को पोस्ट करके बता दूँगा। थैंक यू। उनको कुछ समझ में आता है नहीं, करो पूछना शुरू करते हैं। नंदी सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको इस टीम के लिए। हाँ ये वॉल्यूम कौन है, और ये जो गुजरात से आपको इतना लगाव जो है, क्या कहना चाहेंगे गुजरात क्रिकेट के बारे में? पहली बात तो ये टीम नहीं है, ये लीग है। हाँ, BCL गुजरात लीग है। ओके। और टीम हमारी है अहमदाबाद एक्सप्रेस जो BCL में है। Okay. अभी मैंने और गौरव ने लीग ली है गुजरात की, जहाँ पर हम लोग 6 टीम्स बनाने वाले हैं। अच्छा। और जैसे BCL के बाद BCL पंजाब आया था, BCL गुजरात आ रहा है। अच्छा, तो ये जो लीग का कॉन्सेप्ट 6 टीम जो आप दे रहे हैं, तो 6 टीम में सारे टेलीविजन स्टार्स रहेंगे, किस कौन सेलिब्रिटीज कौन रहेंगे बेसिकली? जैसे BCL है सेलिब्रिटी लीग है, और उसमें जो सेम कॉन्सेप्ट है BCL का, 3 लड़कियां और 8 लड़के खेलेंगे हर टीम में। अच्छा। तो सेम कॉन्सेप्ट होने वाला है। ओके। एंड इट्स हम सिर्फ उसका रेप्लिका गुजरात में बना रहे हैं। ओके। एंड गुजरात में जो ये लीग होगी उसमें थोड़े से गुजराती सेलिब्रिटीज़ होंगे, बाकी की हमारी मेन स्ट्रीम हिंदी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ होंगे। तो ये कहाँ होगा, कैसे होगा? ये लीग मुंबई में ही शूट होगी, इसका पहला सीजन हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं। एंड गुजरात के, बिकॉज रीजनल लीग है, तो गुजरात के किसी रीजनल चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे। आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके? मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
एंड नंदिश मेरा बहुत बहुत पुराना दोस्त है, वर्किंग कम्फर्ट भी है, और अब जब ये मौका मिला BCL गुजरात करने का, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जो रंग बिरंगा है, सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरह मनाता है, एक प्रॉस्परस स्टेट है, मॉडल स्टेट है इंडिया का, तो अहमदाबाद एक्सप्रेस और इसकी सिनर्जी भी अच्छी है, BCL का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। नंदिश, आप देख रहे हैं कि क्रिकेट कैसे बढ़ रहा है, मतलब अमेरिका तक चला गया है, तो एक बार खबर ये भी आई थी कि BCL भी अमेरिका US में लेवल में, उसके बारे में बताइए क्या है। BCL जाने वाला है, आपके आप जो बोल रहे हैं खबर वो बिल्कुल ठीक है, BCL सैन फ्रांसिस्को जाने वाला है, एंड अभी इस साल BCL जो गुजरात हम लोग कर रहे हैं उसका एक्चुअली हाइप इसलिए भी इतना ज़्यादा है और लोग इतने एक्साइटेड इसलिए भी हैं क्योंकि IPL में ये पहला साल है जहाँ पर BCL की टीम, गुजरात की टीम आई है IPL में, सो देर इज़ अ डिफरेंट क्रेज़ अबाउट क्रिकेट इन गुजरात, एंड गुजरात की हमारी टीम भी है तो हमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि गुजराती इसका सपोर्ट ऑलरेडी हमारी टीम को है, एंड वी वुड लाइक अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर आवर लीग ऑल्सो। गुजरात आप बोलेंगे तो बिल्कुल खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। देखिए गुजरात की टीम में तो गुजरात कल्चर का सबसे बड़ा USP आपको क्या नज़र आता है, हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनका कल्चर के बारे में बताइए, जो कल्चर में सबसे यूनिक चीज़ नज़र आती है। आई थिंक गुजराती सी देर आर टू कम्युनिटीज़ जो सबसे ज़्यादा बड़ी हैं पूरे वर्ल्ड में, वन इज़ पंजाबीज और गुजरातीज़ हर जगह मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से परफेक्ट एक ब्लेंड है जो कि एंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ कलर ओवर देयर, ओके, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, सो आई थिंक गुजरातीज़ एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, खाने पीने को भी बहुत मिलेगा, और साथ ही साथ बहुत सारा आपका जो गेस्ट को जैसे ट्रीट करते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन गुजरात। ये कहना चाहूँगा गुजरात का टीम है, यह सपना आपका ड्रीम है, अगर इस ड्रीम में मोदी जी का सपोर्ट मिल गया तो क्या कहना चाहेंगे? तो फिर कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, अगर मोदी जी का सपोर्ट मिल गया। मोदी जी का सपोर्ट तो हर एक इंसान को है हिंदुस्तान के, ना कि सिर्फ एक ही गुजरात के स्टेट को, बट यस बिकॉज वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं हमें उनके सपोर्ट और ब्लेसिंग भी मिलेंगे। लास्टली ये पूछा, कुछ अलग हट के देखने को मिलेगा, कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे आप इस टीम में, कुछ अलग से करेंगे जो पहले नहीं किया गया? सी डेफिनेटली बिकॉज ये एक रियलिटी शो है, सिर्फ क्रिकेट नहीं है तो एक्सपेरिमेंट बहुत होने वाला है, और अगर ये सिर्फ क्रिकेट होता तो लोग शायद से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बिकॉज क्रिकेट वाई वुड एनीबडी वॉच BCL, अगर वो लोग को क्रिकेट ही देखना है तो वो IPL देखेंगे या फिर वर्ल्ड कप देखेंगे, एंड हियर बिकॉज इट्स अ क्रिकेट रियलिटी शो, सो आई थिंक बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, एंड बेसिकली गुजराती कल्चर मीट्स क्रिकेट हमारा ये मेन मोटिव रहेगा कि हम गुजरात के कल्चर को दिखा पाएँ और क्रिकेट के जरिए हम बहुत सारा एंटरटेनमेंट क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू। रोल ले, लाइट देना, रोल सैटरडे वीक को लेकर एक नया घूम नीचे ले थोड़ा, इंग्लिश में पहले भी आपको टीम ली थी, उसके बारे में बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट, क्या आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? वेल, मैं यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ नंदिश को, क्योंकि आई नो हिम दैट बंदा मैं जानता हूँ बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा एक्टर है, पार्टी बहुत करता है, और यहाँ पर अभी बिजनेस की बातें भी बहुत ठीक से कर रहा है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्सेप्ट जिसमें BCL गुजरात में आके गुजरात की टीम्स होंगी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग थिंग, आई एम श्योर नंदिश इज़ गोइंग टू पुट अ वेरी नाइस पंजाबी ट्विस्ट टू द एंटायर गुजरात फ्रेंचाइज आउट हियर, ही इज़ गोइंग टू मेक इट वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी, जो बिल्कुल होता ना तोड़ फोड़ करके, आई एम श्योर दैट ही इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड एट इट, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। चैंग, आपने भी अपनी लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, सिंगिंग किया है, एक्टिंग की है, होस्टिंग की है, तो जो टैलेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स में बताइए, स्पोर्ट्स के लिए कितने पैशनेट हैं और क्रिकेट की बात करें तो कितना पैशनेट है? आई एम एक्चुअली वेरी पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स, बट मैं खेल नहीं पाता हूँ इतना, बिकॉज मैं अपने पूरे ग्रोइंग अप ईयर्स में मैं बहुत अकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था, एंड दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वर प्योरली कल्चरल, सिंगिंग या फिर आर्ट, विच इज़ बेसिकली स्केचिंग एंड पेंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, सो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन क्रिकेट देखना, क्रिकेट जितना खेल सकता हूँ खेलना, वीडियो गेम्स में भी खेलना, कमेंट्री सुनना, सारे स्टैटिस्टिक्स याद रखना। आई रिमेंबर फ्रॉम अ वेरी यंग एज मैं और मेरा बचपन का जो दोस्त है पारस, हम लोग हमेशा ये सारी स्टैटिस्टिक्स की एक अलग किताब रखते थे, एंड वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट,
कौन सा क्रिकेटर कहाँ से है, क्या कहानी है, टीम्स की स्ट्रेंथ क्या है. सो दोस थिंग ऑलवेज देयर. बट हाँ, वन कैन नॉट डू एवरीथिंग. सो इफ आई कैन डू एवरीथिंग एल्स लाइक सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, मे बी स्पोर्ट्स वॉज नॉट इन माई थिंग. लेकिन वंस इन अ वाइल जब CCL होता है या अभी ये VCL हो गया तो खेलने में मजा आएगा इफ आई गेट द चांस एंड इफ आई हैव द टाइम फॉर इट. ये जो लीग है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट टेलीविजन सेलिब्रिटीज का है. आज के दौर में जो टेलीविजन मीडियम इतना बड़ा बन गया है और इतनी अपॉर्चुनिटीज है, वेब सीरीज आ रही है और बहुत चीज़ें हैं, शॉर्ट फिल्म होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आज के दौर में अगर किसी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में अपना पहचान बनाना है तो कितना आसान है, कितना मुश्किल है? एक्चुअली मीडियम्स बढ़ गए हैं, आउटलेट्स तो बहुत सारे हैं. इवन एज अ सिंगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, इंटरनेट की वजह से एक सिंगर को अपना गाना जो है बनाना आसान हो गया है, लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान हो गया है, चाहे वो खुद बनाए या फिर एक लेबल के साथ या एक चैनल के साथ. इन द सेम वे इवन फॉर एन एक्टर या फिर एक रियलिटी शो के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली मीडियम्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं. अगर 6 मेन चैनल्स हैं उनके सब्सिडरी चैनल्स हैं, मतलब 12, 50, 25, यू नेवर नो हाउ मेनी चैनल्स आर देयर. इंटरनेट इज़ बूमिंग. बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखना होगा कि कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है. एंड द ओनली वे आई वुड से कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास आउटलेट्स बहुत हैं, लेकिन द ओनली थिंग दैट विल मेक इट सक्सेसफुल इज समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. एंड वो सेट्स दैट एक्स फैक्टर और व्हाटएवर दैट स्पेशल थिंग इज दैट नोबडी कैन टेल यू व्हाट इट इज. दैट इज समथिंग दैट आप जब प्रिपेयर करते जा रहे हैं आप खुद ही समझेंगे या शायद आपके बहुत क्लोज करीबी लोग हैं वो आपको समझा पाएंगे कि ऐसी क्या चीज़ है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टाइगर श्रॉफ, उनकी खासियत क्या है? ही इज़ अ वेरी वेरी गुड मार्शल आर्टिस्ट, ही इज़ वेरी वेरी गुड डांसर. एंड चलो डांसर्स तो हमारे पास बहुत अच्छे सारे हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मार्शल आर्ट्स में और ऑल दोज पार्कर एंड ऑल दोज स्टंट्स दैट ही डज, ऐसा कोई है नहीं उस इंडस्ट्री में. सो ही इज़ द वन हु सेट दैट बेंचमार्क कि ये मेरा अलग है. मैं एक्टर तो हूँ ही, मैं डांसर को बहुत अच्छा हूँ ही, लेकिन ये मैं अलग से करूँगा एंड दैट इज़ माई स्टैंड. सो ऑल ऑफ अस हैव टू फाइंड दैट ओन थिंग. मेरे ख्याल से मेरा शायद ये है कि मैं एक एक्टर भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ, एक होस्ट भी हूँ एंड दीज थिंग्स जस्ट हैपन ओवर टाइम. मैं जब आया था आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ सिंगर बट विद टाइम यू रियलाइज दैट देर आर सम मोर फैसेट्स टू यू, देर आर मोर थिंग्स दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग. सो जो कुछ भी है फॉर होपफुल्स एंड फॉर न्यू पीपल यू विल हैव टू फाइंड दैट आउट फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू डिस्कवर इट. आखिर मैं ये पूछना चाहूँगा, एक नए शो का कॉन्सेप्ट आया जिसमें आप दिख रहे हैं, क्या शो है, क्या कॉन्सेप्ट है और कितने एक्साइटेड इस शो को लेके? वेल दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ ट्रैवल शो. सो इसमें ये शो का नाम है स्विस मेड एडवेंचर्स एंड स्पॉन्सर्ड बाय द स्विस टूरिज्म बोर्ड. एंड इसमें मैं और शुमोना चक्रवर्ती और शेफ कुणाल कपूर, हम तीन गए थे स्विट्जरलैंड एंड हम तीनों अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो कुणाल ऑब्वियसली इज एक्सप्लोरिंग द फूड बेसिस ऑफ इट, शुमोना इज गोइंग फॉर द थ्रिल्स, आई एम गोइंग फॉर एवरीथिंग दैट इज बॉलीवुड अबाउट स्विट्जरलैंड. क्योंकि स्विट्जरलैंड में ऑब्वियसली आई थिंक द फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड गॉट वेरी फेमस फॉर इंडिया वॉज वेन अ लॉट ऑफ यशराज फिल्म वो शॉट आउट है. तो कोइंसिडेंस की बात है कि मेरे भी काफ़ी ज़्यादातर क्या, एक्चुअली मैंने तीनों फिल्में अभी तक जो की हैं वो सब यशराज के साथ हुई हैं. एंड उस तरह से उन फिल्मों को ट्रेस करना कि DDLJ कहाँ पे शूट हुई थी, कौन से ट्रेन स्टेशन पे राजू सिमरन पहली बार मिले, कौन से ब्रिज पे पलट वाला डायलॉग हुआ, रणबीर कपूर जब हस्की स्लेट पे जा रहे थे वो कहाँ पे हुआ, एंड साथ साथ में ऑब्वियसली खाना पीना, चॉकलेट्स, एडवेंचर, ये सारी चीज़ें हैं. एंड मेरे नज़रिए से ऑडियंस को दिखाना दिस इज़ व्हाट द शो इज़ अबाउट. आखिर में जैसे आप प्राउड फील करते हैं कि आप यशराज के कैंप में काम किए तीनों फिल्म में, आगे चल के यशराज में आप किसी बड़े कैंप में काम कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? वेल ओवर द लास्ट 3 years, सबसे पहले जब बदमाश कंपनी हुई थी आई वॉज ऑब्वियसली एक्सट्रीमली सरप्राइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि अरे कोई फिल्म के लिए मुझे बुला रहा है, क्योंकि तब तक मैं सिर्फ एक एंकर और एक सिंगर था और एक्टिंग के बारे में सोचा नहीं था. माई रीज़न फॉर सेइंग येस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट वॉज कि यशराज है, जो होगा अच्छा ही होगा. उसके बाद में माई थर्ड प्रोजेक्ट सुल्तान वॉज ऑल्सो डायरेक्ट कनेक्शन विद यशराज. सेकेंड वन वॉज एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था इट्स गोइंग टू बी यशराज बिकॉज आई वॉज अप्रोच बाय दिवाकर बैनर्जीज टीम एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ को प्रोडक्शन. सो एक बहुत ही हैप्पी कोइंसिडेंस था कि को प्रोडक्शन भी यशराज के साथ था. इट्स ऑब्वियसली अ वेरी वेरी गुड थिंग टू बी एसोसिएटेड विद एनी बिग प्रोडक्शन हाउस विद स्टूडियो एंड टू हैव डन 3 films विद देम इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. आई थिंक वेरी वेरी लकी, वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड आई वुड लव टू डू मोर वर्क विद देम.
now especially because they are also branching out so much into web series and I'm sure ki kahin na kahin wahan pe acting ke alawa music ka bhi bahut scope hai, so that is something that I would love to do. As of now the next film project I don't know, I'm still looking for it, but TV pe ye chal raha hai and there are a lot of songs that are going to come up soon. Thanks for welcoming. Thank you. काफ़ी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, काफ़ी रोमांचक साउंड कर रहा है एंड आई एम श्योर BCL गुजरात विल बी समथिंग डिफरेंट, देखने लायक होगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. BCL है, CCL है, मतलब सेलिब्रिटी लीग्स काफ़ी सारे हैं जी, तो कितना ज़्यादा मतलब ये जो क्वेश्चन है कितना आपको लग रहा है कि एक्साइटिंग होगा इस बार की बात करें तो? आई थिंक ये लॉन्च इटसेल्फ इतना एक्साइटिंग है तो आई कॉन्ट इवन वेट कि एक्चुअल इवेंट कितना एक्साइटिंग होगा, मैचेस कितने ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे. काफ़ी अच्छे पैमाने पे किया जा रहा है, काफ़ी अच्छे सेलिब्रिटीज़ इससे ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, सो आई एम वेरी श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट. इस तरह के क्रिकेट मैच जो होते हैं जब सेलिब्रिटीज एक साथ होते हैं तो आपको लगता है कि ज़्यादा फ्रेंडशिप होता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन हो पाता है, क्योंकि आप लोग टाइम तो रहता नहीं है ज़्यादा, टूर में बिजी रहते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है अगर देखा जाए तो. खेल एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को साथ भी लेके आता है लेकिन एक बहुत ही फ्रेंडली राइवलरी भी साथ में लेके आता है. यू नो जब टीम्स डिवाइड हो जाती हैं अपनी अपनी टीम का एक कॉम्पिटिशन, जैसे बिग बॉस में ही देख लीजिए आप लोग कम्पीट करते हैं एक दूसरे से एंड दैट्स लाइक बींग इन अ स्पोर्ट्स ग्राउंड एज वेल, सो आई थिंक वो सब आएगा, फ्रेंडशिप भी आएगी लेकिन राइवलरी भी आएगी कहीं ना कहीं. लेकिन जब मैच खत्म हो जाता है तो आपस में लोग एक दूसरे को हग भी करते हैं, एक दूसरे को कंग्रेचुलेट भी करते हैं एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट. लास्टली पूछना चाहूंगा अगर आपको कोई टीम खरीदने का मौका मिलेगा तो कौन सा स्टेट कौन सा टीम खरीदेंगे? महाराष्ट्र है, मुंबई है, बहुत सारी सिटीज हैं, कौन सा है? मैं दिल्ली में 4 साल रही हूँ, मैंने अपने इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री दिल्ली से ही की थी तो दिल्ली से हमेशा एक मेरा कनेक्शन रहा है. लेकिन बाकी लाइक बॉम्बे में अब मैं हूँ राइट नाउ, दिस इज़ माय ब्रेड एंड बटर एंड गुजरात भी जा सकती हूँ, सो हूएवर वांट्स मी लेट मी नो. इधर आना नंदीश के गुजरात जो नया कॉन्सर्ट है BCL का, ये पूरी मतलब लीग शुरू हो रही है, क्या कहते हैं कितने एक्साइटेड इस लीग को लेके आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद इसका एक हिस्सा हूँ इस टीम का और उसके अलावा ना ही एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये एक पर्सनल एसोसिएशन है क्योंकि नंदीश और गौरव दोनों ही मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं काफ़ी सालों से. गौरव तो बचपन से मेरा दोस्त है और नंदीश काफ़ी सालों से, जब से हम लोग ने उत्तरण किया था तब से दोस्त है मेरा. तो आई जिस तरह की मेहनत इन्होंने की है इसके लिए आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड दिल से दुआ करता हूँ कि एक अलग मकाम पर पहुँचे. ये इंटरटेनमेंट और क्रिकेट दोनों बहुत ही बड़ा मीडियम है हमारी कंट्री, बहुत पैशनेट है आप, इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आपका नाम बना है, क्रिकेट में नाम बनाने का शौक था आपको बचपन में? वो मेरा जॉनर नहीं है क्रिकेट, एक्चुअली मैं देखता हूँ लेकिन आई एम नॉट अ क्रिकेटर एज सच, जैसा कि आपने कहा या एंटरटेनमेंट इज माई स्कोप माई फील्ड, आई लव टू सिंग दैट्स माई फोर्टे एंड आई लव टू एक्ट बट नॉट प्ले क्रिकेट, आई मीन आई लाइक टू वॉच क्रिकेट बट नॉट प्ले. टेलीविजन इंडस्ट्री के से जुड़ा हुआ आपका, आज जिस मुकाम पर टेलीविजन इंडस्ट्री है नेशनली इंटरनेशनली लोग जानते हैं टेलीविजन को, तो इस बात को लेकर कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी होती है क्योंकि जब मैंने टेलीविजन करना शुरू किया था 10 साल पहले तब उसको कई लोग लुक डाउन अपॉन करते थे कि यार टीवी एक्टर या टेलीविजन पे कर रहे हैं, अभी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है चीज़, टेलीविजन हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टुडे. यस द कंटेंट कैन बी मच बेटर, द एफर्ट इज़ बीइंग मेड बाय द ब्रॉडकास्टर्स टू वर्क ऑन द कंटेंट एंड बेटर किया जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट से आप देखते हैं टेलीविजन को आज. आपका
लास्टली अच्छे कुछ क्या होगा, बी सी एल है, टेलीविजन सेलिब्रिटीज है, लेकिन बॉलीवुड स्टार जैसे बड़ा नाम है शाहरुख सलमान बच्चन, इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आपको लगता है इस लीग में? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं. ऑफकोर्स आपने जो नाम लिए हैं शाहरुख साहब के और सलमान साहब के, बच्चन साहब के, दे आर वेरी वेरी बिग नेम्स इन देमसेल्व्स. लेकिन टेलीविजन स्टार्स जो हैं आज, नंदिश की फ़ैन फॉलोइंग है, प्रिया की फ़ैन फॉलोइंग है, या जितने भी यहाँ पे एक्टर्स आप देख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और एक एक अच्छे लेवल की फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि क्योंकि घर घर में ये लोग जाने जाते हैं, लोग इनको देखते हैं. तो टेलीविजन एक्टर्स आर नो लेस टुडे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. नंदीश का ये जो लीग शुरू हो रहा है गुजरात का, इसके लोग कितने एक्साइटेड हैं? और पहले भी उन्होंने टीम भी है अहमदाबाद का, तो ये बी सी एल का कॉन्सेप्ट आपको क्या सबसे यूनिक क्या लगता है इसमें? बी सी एल जब नया नया आया था तो लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि हमने एक जीरो बी सी एल खेला और कि उसमें लड़कियां खेलेंगी, डिफरेंट बॉल होगा उससे खेलेंगे. और बाद में और थोड़ा बेटर हुआ, स्ट्रिक्ट हुआ, तो ओवर लड़कियों के दो हो गए, बैटिंग में लड़कियां आएंगी, सो बहुत इंटरेस्टिंग बनते गए. और ईयर बाय ईयर अभी दो सीज़न हो चुके हैं, तो उसके बाद इट्स वेरी गुड कि आनंद और सनी ने डिसाइड किया कि इनको रीजनल बनाते हैं. सो अभी वो एक और कर्नाटका में लॉन्च करके आए हैं, पंजाब हम खेल चुके हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी कि गुजरात जो बना है वो नंदिश और गौरव से बना है, तो वो ऐसा लगता है कि अपना घर का ही है, बिकॉज हम अहमदाबाद एक्सप्रेस दो साल से खेल रही हूँ मैं उनके साथ. एंड यार वी आर वेरी हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस थिंग. ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये जब मैचेज होते हैं बी सी एल के, तो आपको लगता है कि आपके पास टाइम तो रहता है नहीं, तो एक प्लेटफॉर्म होता है मिक्स करने का, फ्रेंडशिप और इंक्रीज करने का? ये एक्चुअली हुआ है आई कैन से, बिकॉज इतने बिजी शेड्यूल में हमारे पास टाइम नहीं होता है, यू नो, हम सिर्फ एक मैसेज पे बात कर लेते हैं, या कभी कोई मिल गए, इफ़ वी बैंग इनटू ईच अदर, भी हम लोग बोलते हैं कि चलो कॉफ़ी पे मिलते हैं, जो कभी नहीं होता. बट बी सी एल से हम जब यू नो पहली बार 160 लोग वो टुगेदर, अब कुछ 200 के ऊपर लोग थे, और कितने पुराने लोग मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं और लोग मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है. गुजरात में ये मैच हो रहा है, तो गुजरात की कम्युनिटी जो होती है या गुजरात का कल्चर होता है, उसका सबसे बड़ा यूएसपी क्या है आपकी नज़र में? यूएसपी गुजरात का मैं कैसे बताऊँ? फाफड़ा. देखो फाफड़ा और जलेबी तो लास्ट टाइम रुणाल लेकर ही आए थे, तो गुजरात का आई थिंक हम लोगों को ज़्यादा फोकस ये भी करना पड़ेगा कि हमें गुजरात के एक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि वो लोग कनेक्ट कर सकें. ऑफकोर्स हमारे सीरियल्स जो बनते हैं, जैसे मुझे पता है हमारा बेटियां जब था गरोड़िया फैमिली, वो बहुत प्रॉपर गुजरात का था. एंड जैसे साथिया चल रहा है, सिर्फ हमारे पास भी लोग हैं जो यू नो गुजराती कनेक्ट, तो आई फील इट्स गोइंग टू बी फन. मतलब बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे, बट हमें और वहाँ तक उनके घर, मतलब वो लोग क्रिकेट देखें, ऐसा करने के लिए कुछ ज़रूर करना पड़ेगा. थैंक यू. नंदीश ने पहले अहमदाबाद की टीम लॉन्च की, अभी नया लीग शुरू करने वाले गुजरात को, कितने चैलेंज क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि नंदीश के साथ जो है मेरे करियर की शुरुआत हुई थी, हम दोनों ने उत्तरण में काम किया था साथ, और वो सफ़र वहाँ से लेकर आज तक इतना लंबा हो जाएगा ये उस दौरान नहीं सोचा था. लेकिन आज अगर आज मुझसे पूछें तो आज नंदिश जो है मेरे लिए दोस्त भी है, भाई भी है, एक तरह का परिवार भी है. तो नंदिश लाइफ में जो भी करेगा, चाहे उसकी लाइफ में, मैं तो हमेशा चाहूँगी खुशियाँ रहे, लेकिन खुशी गम मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा. सबसे पहले उसने अहमदाबाद एक्सप्रेस जो है दौड़ाई, वो काफ़ी चल पड़ी है, अब पूरा गुजरात लीग उसने ले लिया. मेरी दिल से हमेशा यही दुआ रहेगी कि जितनी सक्सेस उसे अहमदाबाद एक्सप्रेस में मिली, उससे कहीं कहीं ज़्यादा जो है उसे इस गुजरात लीग में. ये भी कहना चाहूँगा आपसे, ये बी सी एल का कॉन्सेप्ट है, आप लोग इतने बिजी रहते हैं शेड्यूल में, आपको लगता है कि एक फ्रेंडशिप करने का, इंटरेक्शन करने का बहुत बेहतरीन होता है? देखिए थोड़ा सा लाइट हार्टेड तो हो ही जाता है, बिकॉज ज़्यादातर वक्त आपका सेट पर गुजरा जाता है, तो ये एक मौका होता है कि जहाँ आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हो तो वो इंटरेक्शन रहता है, प्लस क्रिकेट जो हर गली गली में बच्चा खेलता है, तो ये हमारे वो एक पुरानी स्कूल की यादें, कॉलेज की यादें ताज़ा हो जाती है जब
کھیلا کرتے تھے. ویسے وقت ملتا نہیں ہے بیکاز زیادہ تر ہمارا وقت شوٹنگ میں رہتا ہے, تو یہ ایک اچھا انٹرٹینمنٹ ہے, بہت مسالہ ہے, نوک جھوک ہے, بہت فن ہے. تو جب بہت سارے دوست ملتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ویسے تو بالی ووڈ اور کرکٹ یہ تو بہت بڑا پیشن ہے اور ٹیلی ویژن بھی کافی بڑا ہو چکا ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کرکٹرس کرکٹرس ہیں بگ کرکٹر دھونی ہو گئے یا مالی کوہلی ہو گئے یا بڑے بہت اسٹارٹ انوالومنٹ, تو یہ لارجر دین لائف میچ کریٹ کر سکتا ہے بی سی ایل؟ دیکھیے ابھی ٹیلی ویژن کی جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ریچ اتنی بڑی ہو چکی ہے, گاؤں گاؤں میں دنیا دیکھتی ہے, دنیا پسند کرتی ہے, تو ایک ایسا شو جہاں بہت سارے آرٹسٹ مل جائیں اور پبلک کو اس کے ساتھ کرکٹ دیکھنے کو مل جائے تو اور کیا چاہیے. احمدآباد بہت ایکسائٹیڈ ہو بیکاز لیگ از بیسکلی گجرات اینڈ گجرات ہیز بین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ بیکاز آئی ایم بورن ان گجرات, آئی ایم احمدآبادی بورن, تو جب جب گجرات کی بات آئے گی تو میرا نام ضرور آئے گا. اور جس طرح سے نندیش اور گورو کے ساتھ میرا ایسوسیشن رہا ہے, آئی شوڈ سے دیٹ دے آر ون آف دا موسٹ ویری ویل انٹرپرینرز آئی ورک وتھ. اور آگے جا کے یہ جو ٹورنامنٹ لیگ لوگوں نے ہاتھ میں لیا ہے یہ صرف سکسیز ہی سکسیز ہے, بیکاز گجرات میں کوئی بھی چیز آپ شروع کرو اور جو اگر انٹرٹیننگ ہو تو میرے خیال سے وہ سب سے ہیپ ہے. اور جس طرح سے ڈانڈیا گربا پتنگ اڑانا ویسے ہی اب شروع ہونے جا رہا ہے بی سی ایل گجرات یعنی کہ بیٹ اور بال, تو اگلے سال تک نو دن جس طرح سے نوراتری بنائے جائیں گے اسی طرح سے بی سی ایل بنایا جائے گا. یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے, بی سی ایل ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے انٹریکشن کرنے کا, فرینڈشپ بنانے کا, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں ہے ویسے؟ دیکھیے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ بیسکلی میرے خیال سے جب آپ اپنے دوستوں کو نہیں مل پاتے ہو تو یہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ مستی بھی ہو جاتی ہے, کھیلنا بھی ہو جاتا ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے, اور ایک شوٹنگ سے الگ ماحول نکل کے آپ کچھ اور بھی کر لیتے ہو, تو میرے خیال سے اٹس ون آف دا موسٹ ہیپنگ تھنگس اینڈ یو شوڈ واچ آؤٹ فار بی سی ایل گجرات جو آنے جا رہا ہے. کرکٹ ایک بہت بڑا میڈیم ہے, بہت پاپولر ہے, لیکن آپ کو اگر اسپورٹس کا بھی ایک لیگ ہونا چاہیے انٹرٹینمنٹ کے حساب سے, سوری نہیں میرے خیال سے ساری لیگ ابھی شروع ہوگی میرے خیال سے دھیرے دھیرے, جیسے جیسے ہم نے ٹیلی ویژن میں کرکٹ لیگ شروع کی ہے, اب میرے خیال سے اگلا ہوگا والی بال ہوگا, فٹ بال آئے گا, دھیرے دھیرے ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو میرے خیال سے دیر آئے سو درست آئے, تو میرے خیال سے اب ساری چیزیں آئے گی, دھیرے دھیرے لیگز آئے گی, ایکٹرز آئیں گے, فلم ایکٹرس تو آلریڈی آ گئے ہیں ہمارے کبڈی وغیرہ میں, تو سارے اسپورٹس کو انڈیا میں اب انہانس کیا جا رہا ہے, سپورٹ دیا جا رہا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اور میں بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ صرف کرکٹ ہی نہیں بلکہ ہر اسپورٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اسے ایک نیشنل لیول پہ لے جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ
ये जो लीग है, जो क्रिकेट होता है, आई थिंक एक तो सबसे पहले रीज़न मुझे लगता है कि ये मस्ती के लिए होता है, यू नो, नए दोस्त बनते हैं, नए जान पहचान, नया परिवार बनता है, मेरे लिए तो ये ज़्यादा मैटर करता है, और नए लोगों से जान पहचान होती है, खूब मस्ती होती है, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, और बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने PCL मैंने भी फर्स्ट ईयर किया था, मुझे लगता था कि ये यू नो वैसे बहुत लोगों को लगता है कि ये फेक रियलिटी शो है या यू नो स्क्रिप्टेड है, तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी, वो टेंशन, वो सब कुछ वो बहुत नेचुरल होता है, एंड इट इज़ एक्चुअली रियलिटी शो, तो वो और मुझे नहीं लगता कि जिसको एक रियलिटी शो कहेंगे वो एक्चुअली वहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, सो येस इट्स नॉट अ फेक और अ स्क्रिप्टेड रियलिटी शो, ये एक्चुअली जो भी आप देखते हैं वो होता है वहाँ पे। मैं नंदिश और गौरव को सपोर्ट करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं उन्हें ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगी, तो यस मैं PCL गुजरात के वक्त भी उन्हें सपोर्ट करूँगी, उन्हें चीयर करूँगी और मस्ती करेंगे। बहुत ज़्यादा मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का, आई थिंक इट्स वेरी फन बिकॉज इट्स नॉट जस्ट टिपिकल क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, एंड वी गेट टू मीट आर फैंस एंड वी गेट टू मीट आर फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स एक्चुअली बिजी वर्किंग। जब हम प्रैक्टिस पे जाते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा होता है वहाँ पे, जब हम क्रिकेट खेलने आते हैं और फील्ड पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा धमाल होता है, ड्रामा भी होता है, सो या ऑल टुगेदर इट्स सुपर फन एंड इट्स सुपर एक्साइटिंग ऑल्सो बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टिपिकल क्रिकेट क्रिकेट, इट्स ऑल्सो अबाउट ड्रामा, एंटरटेनमेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। आउटफिट आई जस्ट वेयरिंग अ सिंपल जेमी बाय गैब्रिएला आउटफिट, सिंपल विद अ लिटिल क्रंच हेयर एंड दैट्स इट। मैं कैलकटा को ही फर्स्ट चूज करूँगी बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन कैलकटा, वो मेरी जमीर है, एंड आई लव मुंबई ऑल्सो एंड बीसिल गुजरात, आई लव गुजरात ऑल्सो,
because I love Gujarati people and they also love me a lot. I think I love all the cities thoda bahut karke, but yeah, Mumbai and Calcutta is of course my favorite. Thank you.